हमने वेक्टर एडिशन देख लिया था, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है पहले कि रिजोल्यूशन किस तरीके से होता है, लेकिन एक बार उसको हम रिपीट करेंगे और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक वेक्टर हमें ऐसा दिया हुआ है, ये है ए और ये है थीटा, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा ए कॉस थीटा और इधर क्या आएगा ए साइन थीटा। ये कहलाता था ए एक्स और ये कहलाता है ए वाई। सो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट। वैसे तो वेक्टर को मैंने ये कहा था इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि वेक्टर को हमें किसी प्लेन में और दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है तो सिर्फ ये दो ही हो सकते हैं और नहीं, ठीक है। तो वेक्टर को सिर्फ दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे जो कि आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर हम ये थीटा ना लेके इस तरह ले लेते हम अल्फा और बीटा, एक अल्फा और एक बीटा, तो मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है उधर तो आएगा कॉस और उसके परपेंडिकुलर आएगा साइन, तो इधर क्या आ जाएगा ए कॉस अल्फा और इससे क्या बन रहा है बीटा, तो इधर आएगा ए कॉस बीटा। अगर मुझे इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे भी इसको शो कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ये होगा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा और ये हो जाएगा जे कैप। तो ए वेक्टर को हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में शो कर सकते हैं। सो दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हम तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में करेंगे तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यहां ये होगा कि जो वेक्टर है वो एक्स से वाई से और जेड से कुछ एंगल बनाएगा। मान लो ये ए वेक्टर है, ये एक्स से बना रहा है अल्फा, वाई से बना रहा है बीटा और जेड से बना रहा है गामा। तो मैंने आपको ये सिखाया कि जिधर से एंगल बन रहा है उधर तो कॉस आएगा, तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए कॉस अल्फा, तो यहाँ से कॉस अल्फा होगा ए एक्स बाई ए। इसी तरह ए वाई की वैल्यू होगी ए कॉस बीटा, तो यहाँ से कॉस बीटा हो जाएगा ए बाई अपॉन ए, दिस इज टू। सिमिलरली जेड की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये आएगा ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा, तो कॉस गामा इज नोन एज ए जेड बाई ए। जो तीनों हमने पढ़े हैं कौन कौन से, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दीज आर डायरेक्शन कोसाइन। अगर हम इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वेयर गामा, तो ये वन के बराबर आता है। कैसे आता है देखो, कॉस स्क्वेयर अल्फा का मतलब होगा ए एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ए वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ए जेड स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर ए जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। देखो ये ए स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा, तो ए स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, तो वन इज इक्वल टू वन। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी, जो डायरेक्शन कोसाइन की आइडेंटिटी है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको नोट करिए, फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन में हमने आइडेंटिटी देख ली, क्या आइडेंटिटी आई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। अगर हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है, देन वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस वन इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर गामा। सो इट विल बी वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर गामा एंड इट इज़ वन। वी कैन एड वन वन वन, इट विल बी थ्री माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। वी विल टेक टू अदर साइड दीज टर्म्स, सो इट विल बी थ्री माइनस वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, सो वी कैन गेट अनदर आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ साइन। दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी फॉर डायरेक्शन कोसाइन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने आपको ये बताया कि एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए प्लेन और कह सकते हैं इन टू डायमेंशन। और अगर हमें इसी को 3D में करना हो या किसी स्पेस में करना हो तो उसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ सकते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इफ इट इज रिजॉल्व्ड इन 3D देन नंबर ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी 3। कितने हो जाएंगे, 3 कंपोनेंट। अच्छा, अगर मान लो मैं रेक्टेंगुलर में रिजॉल्व ना करके हमें कैसे भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसको इनफाइनाइट नंबर में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ इट इज नॉट रेक्टेंगुलर, वी कैन रिजॉल्व ए वेक्टर इन इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। आप कहोगे जरा करके बताना,
इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होंगे कैसे? देखो, मान लो मैंने एक वेक्टर ले लिया टेन आई कैप, ठीक है, इसको मैं 10 कंपोनेंट में अलग अलग रिजॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, कितना आई प्लस आई प्लस आई, कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो गए? 10, ठीक है। अगर मैं इसी 10 को i by 2 के टर्म्स में लिखता, बताओ कितने टाइम्स होता? ये हो जाता 20 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं लिखता 10 i को i by n, ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा आपको कि हम इसको इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन या कंपोनेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, देखो ए आर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो, ठीक है, या एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो हम कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है, या सिर्फ आप कह सकते हो एक्सिस, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सिस, लेकिन जो कंपोनेंट लेंगे वो तो एक्सिस पे डिपेंड करेंगे, बट कंपोनेंट्स विल डिपेंड ऑन एक्सिस। एक और पॉइंट, अगर हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें तो परपेंडिकुलर एनी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो। क्यों? कोई भी वेक्टर ले लिया मैंने और उसके परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं तो एंगल कितना बन गया? 90। और मैंने आपको क्या सिखाया कि हमेशा कंपोनेंट में क्या लेंगे? कॉस 90। तो कॉस 90 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर हमने किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट लिया तो वो हो जाएगा जीरो। नोट कर लीजिए इसको। Thank you.